सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि मेरे गले में खराश हो गया है, इस कारण आवाज़ में थोड़ी फटे फटे आवाज़ आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्या आप जानते हैं रंग बरसे क्लासिक सॉन्ग के पीछे की कहानी? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुपरहिट फिल्म सिलसिला के सुपरहिट सॉन्ग रंग बरसे के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरीके से हिंदी फिल्मों के रियल खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। होली का त्यौहार पूरे भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन हम कई सॉन्ग सुनते हैं। बॉलीवुड के कई पुराने गाने हैं जिन्हें सुनना हम सभी काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों इन्हीं में से एक गाना फिल्म सिलसिला का अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया रंग बरसे सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इस गाने के बिना तो होली का त्यौहार ही अधूरा लगता है दोस्तों। ऐसे में क्या आप इस आइकनिक गाने के पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं? आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे ये गाना बनाया गया था। चलिए जानें सभी डिटेल्स को विस्तार से। कंपोजर देवज्योति मिश्रा ने रंग बरसे की मेकिंग का हिस्सा बताया है। इस गाने से जुड़ी तमाम बातें मिश्रा ने बताई है दोस्तों। देवज्योति मिश्रा ने कहा है कि एक समय में टालीगंज में रहा करते थे, उस समय वहाँ नान बंगाली लोग गाना गाकर होली मनाने आया करते थे। उनके गाना हमें काफ़ी पसंद आते थे। देवज्योति मिश्रा आगे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में बाद में पता चला था कि यह गीत रियल में 15वीं सदी की कवित्री मीरा के एक पारंपरिक भजन पर आधारित था। भले ही इस गाने के बोल बाद में हरिवंश राय बच्चन के थे और गाने को शिव हरि ने कंपोज किया था दोस्तों। मूल भजन रंग बरसे वो मीरा भवन में रंग बरसे फिल्म में स्क्रिप्ट को फिट करने के लिए नंबर बदल दिए गए थे दोस्तों। वही इस भजन की खास बात यह है कि भजन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच लोकप्रिय रहा है। आज के जमाने के लोग भी इस भजन को होली के त्यौहार में सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस गाने को नहीं जानता होगा। इस गाने को हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, वह उत्तर प्रदेश से हैं। इस गाने में आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इस होली के गाने में मानो इंद्रधनुषी छौंका लग गया है। रंगों के त्यौहार होली के गाने की बात आती है तो फिल्म सिलसिला के 1981 का ये गाना सबसे पहले याद आता है दोस्तों। ये सबसे पॉपुलर होली सॉन्ग है। ये रंग बरसे भींगे चुनर वाली, ये गाना होली के मौके पर हर किसी की जुबान पर रहता है। ये तो पॉपुलर गाना है ही, इसे YouTube पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा बार सुना गया है। इसे अमिताभ बच्चन रेखा जया के रियल लाइफ लव ट्राइंगल से प्रेरित बताया जाता है दोस्तों। अमिताभ बच्चन 1973 में जया बच्चन से शादी कर चुके थे। इसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया है दोस्तों। सिलसिला के सुपरहिट सॉन्ग रंग बरसे की रियल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से हिंदी फिल्मों की रियल खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।